आज गेस्ट आना, कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं। इस चीज़ मुझे यकीन है कि अल्लाह कोई ना कोई जो है रास्ता ज़रूर निकालता है। ऐ अल्लाह, मैं बेबस हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा। जब मैं स्टार्ट से क्या काम करता था, मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट कैसे किया, मैं आपको ईच एंड एवरी थिंग बताऊँगा। कम इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस बताऊँगा भी सही, करके भी दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 अक्टूबर 2023 है। 28 तारीख को ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद की मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी और आज जो है कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। ये सारी पार्किंग दिखाओ। इस पार्किंग के अंदर मैंने आपको बताया कि वो उस रेस्टोरेंट की भी जो है गाड़ियां होती हैं, लेकिन आज हमारी भी हैं। मैं अब अंदर से आपको विज़िट करवाता हूँ। कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, गेस्ट मतलब आना शुरू हो गए हैं। कस्टमर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब बहुत उसमें फैमिलीज़ भी हैं जिसकी मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, बस ऐसे जनरली आपको हल्का सा वो देता हूँ। हल्का सा रिव्यू ले लो बस। आज गेस्ट आना, कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं। किस तरह आना शुरू हुए हैं ये मुझे नहीं पता। मैंने आपको ये ज़रूर कहा था कि मैं कोई स्ट्रेटजी बनाऊंगा, कोई प्लान करूंगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। मीडिया टीम को बुलाऊंगा। अब ना तो मीडिया टीम को मैंने बुलाया ज़रूर है, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं। अभी उन्होंने कुछ करना था, उससे पहले ही जो है हमारे पास गेस्ट आना शुरू हो गया। अभी जस्ट हमने वर्बली एक दूसरे के साथ डिस्कस किया। अब देखें, गलत बयानी अगर कोई खुद से कर दे कि हाँ जी मेरे पास कस्टमर्स नहीं आए और मैंने मीडिया टीम को बुलाया और डिस्कस किया और मैंने जो है फैसले किए, यूं किया वूं किया और उससे जो है मेरे पास गेस्ट आना शुरू हो गए, यानी अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा था नहीं। प्लान ज़रूर किया हुआ था कि ये स्टेप वाइज मैंने करना है, लेकिन गेस्ट अपने कस्टमर्स जो हैं वो अपने आप आना शुरू हो गए। क्यों आना शुरू हो गए मुझे कोई वजह नहीं पता। मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया उस दिन से। प्लान ज़रूर किया था लेकिन उसको एग्जीक्यूट मैं नहीं कर सका, ठीक है। उससे पहले ही कस्टमर्स आना शुरू हो गए। कैसे आना शुरू हो गए इस चीज़ के हवाले से मुझे इल्म नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ही आए हैं और वसीला है, सोर्स है, वो कौन बना है इसका मुझे नहीं पता। माइट भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग आए हों, माइट भी जो डक्की भाई वीडियो करके गए थे उससे रिलेटेड जो लोग हैं शायद वो आए हों। यकीनन इसके अंदर जो है वो माँ बाप की दुआ भी शामिल है, यानी कोई ना कोई वसीला जो है बना है। कस्टमर्स आ गए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा आज बताने का मकसद यही था कि कस्टमर्स आ गए हैं, कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं और उसके अंदर मेरी कोई वो एज सच कोई चीज़ नहीं थी। अगर कुछ होता तो मैं बताता, लाइक अगर मैं कोई कंपेन करता, मैं कोई बिलबोर्ड्स लगाता या मैं जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी अगर मैं करता तो मैं आपको बताता। बताना आज बता ये रहा हूँ, किया मैंने कुछ नहीं है। कस्टमर्स आ गए हैं, वसीला क्या बना है मुझे उस चीज़ का नहीं पता। हाँ, एक चीज़ और है कि जब बंदा बेबस होता है, जब रास्ता आगे कोई नहीं नज़र आता, तो उस टाइम रास्ता मिलता ही मिलता है। जब बंदा सोचता है ना कि बस थक गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये ब्लंडर हो गया, ये गलती हो गई, उस टाइम मुझे ये पता है, इस चीज़ मुझे यकीन है कि अल्लाह कोई ना कोई जो है रास्ता ज़रूर निकालता है। और इस दौरान के अंदर जो है मैं एक चीज़ पढ़ता रहा जब परेशान था, ऐ अल्लाह मैं बेबस हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा। जब बेबस इंसान होता है ना तो उसके बाद मदद लाजमन होती है। तो वही चीज़ जो है शायद मेरे साथ हुई है और कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं और आगे की जो भी पोजीशन होगी मैं आपको फर्दर भी बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मुझसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए गए हैं कमेंट्स के अंदर। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं सारे सवाल नोट डाउन कर रहा हूँ, मैं हर सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। जो भी जिस भी किस्म की बात होगी मैं उसका जो है आंसर आपको ज़रूर दूंगा। यानी किसी ने कोई सख्त सवाल पूछा हुआ है, जैसा कि एक क्वेश्चन था कि इसने बाप की कोई चीज़ बेची और ये बिज़नेस बना लिया, तो उसका भी मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसा नहीं है कुछ भी, तो
या कुछ ऐसी परसेप्शन आती है कि जी पहले ही कोई बड़े माल दौलत इसके पास थी, उस माल दौलत से इसने बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ होगा मैं क्लियरली आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं स्टार्ट से क्या काम करता था, मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट कैसे किया, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। क्वेश्चन किए गए हैं वो भी बताऊंगा, यानी हर सवाल का जवाब भी दूंगा। एक चीज़ और उसके बीच में थी कि जी कम इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस, कम इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस बताऊंगा भी सही, करके भी दिखाऊंगा। जितनी रकम आपको बोलूंगा उतनी जेब में डालूंगा, उसी रकम को यूज़ करूंगा और उस रकम को यूज़ करके कम अमाउंट से भी आपको बिज़नेस करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये एक ही वीडियो में नहीं हो सकता, साथ के साथ मैंने जो जो बातें आपको कर दी हैं वो तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। इस रेस्टोरेंट के हवाले से इसके अगले दिन कैसे गुजरते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो 30 अक्टूबर का दिन है वो सॉरी 1 अक्टूबर का जो दिन है वो काफ़ी बेहतर गुजर है, कस्टमर का फ्लो स्टार्ट हो गया है और मुझे काफ़ी अच्छे की उम्मीद है अल्लाह से।